स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ OnlineTyari.com। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि पीछे आपके सामने टॉपिक लिखा ही हुआ है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द ईयर 2018 इज गोइंग टू बी SBI Clerk 2018। क्यों? क्योंकि 8301 वैकेंसी आ चुकी है और अब टाइम है आप इसकी तैयारी शुरू करें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और क्या क्या आ सकता है जैसा कि एक्सपेक्टेड पैटर्न इन 2018। सो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे और ये भी कोई हवाई किले नहीं बनाना कि एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है 2018 का। ये हम देखेंगे कि 2017 में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे और हमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये सेशन। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे रेगुलर वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके आपको मेल बॉक्स में मिल पाए। यू विल गेट नोटिफाइड वंस वी अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि SBI क्लर्क 2018 में क्या चेंजेस आए हैं। SBI क्लर्क 2018 अगर हम बात करें तो काफी सारे चेंजेस के साथ पब्लिश हुआ। SBI क्लर्क 2018 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो सेक्शंस होंगे वो टाइम लॉकिंग के साथ होंगे। ठीक है, और टाइम लॉकिंग के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शन आपको पता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन का इंग्लिश, 35 की रीजनिंग, 35 का क्वांट, और इनके लिए जो टाइम एलोकेट किया गया है दैट इज 20 मिनट्स पर ईच सेक्शन। ठीक है, तो अब ना चाहते हुए भी आपको 20 मिनट इंग्लिश की शक्ल देखनी पड़ेगी, जो कि हम पहले क्या करते थे, पहले 10-12 मिनट में करके अपना आगे दूसरे सेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करते थे जहां हमें इजी लगता था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे उन 20 मिनट्स को आप यूटिलाइज करें, क्योंकि देखो यार आपको इवेंचुअली वो एग्जाम अटेम्प्ट करना है और उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम इंग्लिश में देना होगा। एक और जो बहुत बड़ा चेंज SBI क्लर्क 2018 में आया है वो है कि इस बार कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, ना सेक्शनल कट ऑफ होगा ना ओवरऑल कट ऑफ होगा। अब जो अगर मैं बात करूं SBI क्लर्क मेंस की, तो SBI क्लर्क मेंस के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो होंगे 10 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी 10 times 8301। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि SBI क्लर्क, अगर आपको लग रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है या ओवरऑल कट ऑफ नहीं है, तो ये बस एक कहने वाली बात है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ के ना होते हुए भी सिर्फ 10 times जो कैंडिडेट होंगे जो कि मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन में हमने देखा है कि 20 मिनट का जो टाइम है वो हमें कई हिसाब से ज्यादा भी लगेगा, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में हमें आदत नहीं है कि हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें, स्पेशली इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले 2017 में कौन कौन से टॉपिक आए थे, क्योंकि हमने देखा अभी रिसेंट हमारे सामने कौन से एग्जामिनेशन गए, IBPS क्लर्क प्री गया है, RBI असिस्टेंट प्री गया है, और ऐसे कई एग्जामिनेशंस जो हुए हैं, तो उसमें पूछे गए टॉपिक्स क्या हैं और किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो क्लरिकल में हमने देखा था कि जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन आए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आए थे 5। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक था वो था हरिकेन बेस्ड, मतलब एक चक्रवाती तूफान। ठीक है, तो इट वॉज नॉट एन इकोनॉमी बेस्ड RC बट अ हरिकेन बेस्ड RC, जो कि उस टाइम रिसेंट करंट अफेयर्स बेस्ड था। ठीक है, क्योंकि USA में एक तूफान आया था जिसकी वजह से वो टॉपिक उस टाइम हॉट टॉपिक था, तो एक RC आया था। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास आए थे एरर के क्वेश्चन। एरर के कितने क्वेश्चन थे, एरर के क्वेश्चन थे 10। इसके अलावा आए थे idioms एंड phrases। अभी बात करेंगे idioms एंड phrases की, क्योंकि idioms और phrases आज से पहले कभी नहीं पूछे गए थे बैंकिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, बट क्लरिकल प्री में पहली बार पूछा गया था idioms एंड phrases, और idioms एंड phrases के कितने क्वेश्चन थे, 5। और इसके बाद जो फाइनल बचते हैं वो थे fillers। fillers के आपके क्वेश्चन थे 10। तो जो हमारा IBPS क्लर्क प्री का ब्रेकअप था वो कुछ ऐसा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर, idioms एंड phrases एंड fillers। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 5 क्वेश्चन थे वो हरिकेन बेस्ड थे। ठीक है,
एरर के जो 5 क्वेश्चन, एरर के जो 10 क्वेश्चन हैं, उसमें मैं एक चीज और बताऊंगा। एरर के जो क्वेश्चन क्लर्क प्री में पूछे गए थे, उसमें हमें जो सेंटेंस दिए गए थे, सेंटेंस को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था और हमसे पूछा गया था कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के 5 पार्ट्स थे और उन 5 पार्ट्स में पूछा गया था कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है। ठीक, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इनफैक्ट जब मैंने भी वो क्वेश्चन देखा था तो मेरा पहले दिमाग में जो इंस्टिंक्ट था कि मार्क करो जिसमें एरर है, ठीक है, विदाउट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। जब तक मैंने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ा, तब तक मेरे भी दिमाग में यही था कि यार मुझे मार्क करना है कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है। बट ये जो एरर आई थी, ये थी जिसमें किस पार्ट में एरर है। हमें यह पहचानना था कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जो बिल्कुल सही है, जिसमें एरर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो क्वेश्चन आए थे उसमें मैक्सिमम फ्रेजेस थे जो कि हम यूज टू, मतलब लाइफ में यूज टू है। हम रेगुलर बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो फ्रेजेस हमें दिखते रहते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है उसका लगभग मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ, इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट एक्सपेक्टेड इडियम्स एंड फ्रेजेस इन क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एसएससी में हमने काफी देखा है, बट क्लरिकल के एग्जाम में या फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में नहीं देखा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा जो फिलर्स थे, फिलर्स में एक और चीज जो चेंजेस था वो ये था कि फिलर्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पार्ट मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए, जो स्टार मार्क है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके बारे में आपको नोट डाउन करना चाहिए कि ये एक्चुअली था क्या। फिलर्स वाले पार्ट में क्या था कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया था, ब्लैंक एक ही था, बट जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन में से मल्टीपल ऑप्शन फिट कर सकते थे। तो हमें ऑप्शन जो था वो कॉम्बिनेशन दिया गया था कि ए और बी फिट कर सकता है, सी और डी फिट कर सकता है, ए और सी फिट कर सकता है, या फिर कोई फिट नहीं कर सकता। तो इस टाइप से इसके ऑप्शन थे, मतलब एक ही ब्लैंक था बट उस ब्लैंक में मल्टीपल वर्ड्स फिट कर सकते थे। ठीक है, तो ये था हमारा 2017 क्लरिकल का पैटर्न। एक बार मैं आरबीआई असिस्टेंट का भी पैटर्न आपको बता देता हूं। तो आरबीआई असिस्टेंट 2017 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था 27 नवंबर को, उसका पैटर्न देख लेते कि उसमें क्या पूछा गया था। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज यूजुअल पूछी गई थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 12 क्वेश्चन थे। अच्छा, 12 क्वेश्चन किस पे थे, एक स्टोरी थी एक लड़के की, मतलब एक स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता अटेम्प्ट करने पर। ठीक है, बट इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या था कि आरबीआई असिस्टेंट का अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया था, मतलब यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जहां पे कट ऑफ 80-85 जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पेपर काफी ज्यादा ईजी था और जो 12 क्वेश्चन थे आरसी के, मतलब पूरा पेपर 85 जब कट ऑफ जा रही, तो आप समझ लो कि पूरे पेपर में आपके पास स्कोप कितना था छोड़ने का, सिर्फ 15 क्वेश्चन। तो ये चीज थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो थी वो स्टोरी बेस्ड थी, 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं एरर्स। अच्छा, जिस टाइप से एरर्स हमारे क्लर्क में पूछी गई थी, इसमें एरर्स वैसी नहीं थी, इसमें एरर के 8 क्वेश्चन थे और नॉर्मल एरर थे। हमें वही पार्ट डिसाइड करना था जिसमें एरर है, हमें वो पार्ट मार्क नहीं करना था जिसमें एरर नहीं है। ठीक है, जैसा क्लर्क प्री में पूछा गया था। इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन जो हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन आया था वो था स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग के बारे में भी मैं बताता हूं कि इसमें बेसिकली हमें यह देखना था कि एक वर्ड को बोल्ड किया हुआ था और उसके बाद ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग उस वर्ड की सही है, और जो 5th ऑप्शन था वो ये था कि जो स्पेलिंग यूज की गई है वही सही है। तो जो स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें बेसिकली आपको एक तरीके से वो होते हैं ना कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेलिंग है क्या, तो ये बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसके बाद थे हमारे सिंगल फिलर्स। और इन दोनों के 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंगल फिलर्स भी नॉर्मल वाले थे, कोई इसमें मतलब कैच नहीं था, कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग नहीं था। ठीक है, तो अब तक जो हमने देखा कि हमने 2 एग्जाम की बात की है, आईबीपीएस क्लर्क प्री और आरबीआई असिस्टेंट प्री, बट एसबीआई क्लर्क और एसबीआई क्लर्क प्री 2018 में कहूं तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा। और इसमें मैं एक और चीज बताऊंगा कि इसमें जो डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, आप अच्छा मान के चलिएगा
क्योंकि क्या है कि अभी जो एग्जामिनेशन है ना उसमें सरप्राइजेस बहुत कॉमन हो गए, तो गेट रेडी फॉर द सरप्राइजेस। और ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अगर सरप्राइज आता भी है आपके सामने तो आपको किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है ताकि आपके जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो हैम्पर ना हो, ठीक है। तो ये चीज अब डिस्कस करेंगे। तो एसबीआई क्लर्क प्री में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉपिक आने का, देखो आरसी तो डेफिनेटली है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो कॉमन होगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिना इंग्लिश सेक्शन को इमेजिन करना इज लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें, इसके अलावा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए एरर्स। अब एरर्स मैं एक और चीज इसमें लिखना चाहूंगा, इनकरेक्ट और करेक्ट, ये दोनों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्पेशली दिस वन। इनकरेक्ट की तो हमें फिर भी याद आता है, लेकिन करेक्ट वाला जब पूछा जाता है ना वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहीं पे पकड़ ले, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर, ठीक है। वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी करेक्ट वन पकड़ने की, क्योंकि तीन क्वेश्चन बाद आप हो सकता है इंस्ट्रक्शन भूल जाए। वो कहते हैं एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में वो चीजें रहती हैं, बट हो सकता है तीन क्वेश्चन बाद आप इंस्ट्रक्शन भूल जाए और फिर से। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, एसबीआई इंस्ट्रक्शंस भी चेंज कर दे क्वेश्चंस के। मान लो पहले तीन में पूछा है किसमें एरर है और अगले तीन में पूछ रहा है किसमें एरर नहीं है, सो यू नीड टू बी विजिलेंट इनफ टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर मैं बात करूं तो करेक्ट वाली की प्रैक्टिस के लिए वी विल बी प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल। इंग्लिश से रिलेटेड मैं बता दूं कि काफी सारे मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सो इन फ्यूचर इफ यू वॉन्ट टू गेट द सक्सेस प्लीज स्टे ट्यून्ड टू OnlineTyari.com, क्योंकि यहां पे हम लोग सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कहूंगा, दैट वुड बी सिंगल फिलर्स। सिंगल फिलर्स में भी मैं कहूंगा कि जो हम आजकल जो आ रहे हैं ना कॉम्बिनेशन वाले, कि मल्टीपल वर्ड्स में फिट द ब्लैंक, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको मीनिंग जब तक नहीं पता होगा यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट। तो ऐसा मत करिएगा कि कुछ तुक्का मार लीजिएगा, क्योंकि इवेंचुअली एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए सिंगल फिलर्स को ध्यान में रखते हुए जो वोकैब पोर्शन है वो अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो सिंगल फिलर्स हो गए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं idioms एंड phrases को भी आप एक्सपेक्ट कीजिए, बट उतना ज्यादा नहीं। phrases में ज्यादा इस पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि phrases को लेके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। phrasal verb हो गया, phrases हो गए, ये सारे जो पोर्शन है, देखो इंग्लिश का कोई डिफरेंट विंग नहीं है कि phrases है या phrasal verb अलग है, नहीं, सारी चीजें वही हैं, बस उनका यूजेज है। अगर फ्रेजल वर्ब बेसिकली अगर बात करें तो फ्रेजेस के साथ वर्ब का जो यूजेज आता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनका जो यूजेज आता है, जो प्रेपोजिशंस होते हैं उनका जो यूजेज आता है, वो बेसिकली उस पूरे फ्रेज का मतलब बदल देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब, इन दोनों को रखते ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एक दो एडियम मिल भी जाए तो ठीक है, यू आर फ्री टू लीव, उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन वहां पे दीजिए और उसके बाद इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन इजी वन, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक चीज मैंने और नोटिस की है, आप देख रहे हो कि मैं होमवर्क करके आया हूं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे जो प्रिलिमिनरी में जो कॉमन चीजें होती थी पहले की भी, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक टाइम ऐसा था कि जब इंग्लिश में ये दोनों सेक्शन हुआ करते थे, ठीक है, ये दोनों सेक्शन का बहुत ज्यादा मतलब रोल था इंग्लिश के सेक्शन में। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस के दौरान इनको भी अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि यार ये चीजें, मतलब होता है ना कि प्रैक्टिस से छूट ना जाए, क्योंकि क्या पता अगर मान लो सेम पैटर्न रिपीट हो जाए और पहले वाले टाइप के ही क्वेश्चन आ जाए तो वो एटलीस्ट सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, जब तक एसबीआई खुद से आपको सरप्राइज ना करे, ठीक है। एक और टाइप के क्वेश्चंस जो देखे गए हैं, वो है यूजेज ऑफ वर्ड्स।
यूजेज ऑफ वर्ड की मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि पांच स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और एक वर्ड को बोल्ड कर दिया गया है हर स्टेटमेंट में। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जैसे आईबीपीएस हो गया या फिर एसबीआई हो गया, हमसे क्या पूछते हैं कि उन पांच स्टेटमेंट्स में से किस स्टेटमेंट में वर्ड फिट करता है, मतलब उस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट फिट करता है कौन से स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यूजेज ऑफ वर्ड बेसिकली वही है कि हमें बताना है कि यहां पे राइट यूजेज है या नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये तो हो गए हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक, और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो सिंपल, आप मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन के दो आरसी, ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि बीच में कई बार 5 क्वेश्चन के दो आरसी भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो या तो 10 क्वेश्चन आरसी का मान लीजिए या फिर 5-5 के दो आरसी मान लीजिए, ठीक है। क्लोज टेस्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्लोज टेस्ट कहीं ना कहीं इज द पार्ट ऑफ फिलर्स, फिलर्स का पार्ट ही होता है क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट को अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है क्लोज टेस्ट आ जाए, बट इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग, वो सरप्राइजिंग होगा नहीं आपके लिए। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कॉमन है, एरर्स में मैंने बता ही दिया इनकरेक्ट और करेक्ट वन का क्या रोल है, ठीक है। सिंगल फिलर्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और यूजेज ऑफ वर्ड। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है एसबीआई क्लर्क प्री 2018 में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली सारी चीजें देखी कि क्या हमारे पास 2017 में आया था और क्या 2018 में आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे, और मैं बता दूं कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लाइव करेंगे वो होगा जो एक्सपेक्टेड पैटर्न हमारा इन रीजनिंग एबिलिटी, जो एसबीआई क्लर्क रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन होगा, उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, कितना रोल होगा पजल का और कितना रोल होगा बाकी मिसलेनियस सेक्शन का, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड टू onlinetyari.com और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। थैंक यू।